जॉनी डेप एज विल कैस्टर एक फेमस साइंटिस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन करते हैं एक भगवान के बराबर पावरफुल मशीन जिसे इंसान जैसा इंटेलिजेंस और इमोशंस हो पर वो अर्थ के सभी लोगों के कंबाइंड इंटेलिजेंस से भी अधिक इंटेलिजेंट हो जिसे हर चीज के बारे में नॉलेज हो पर वहीं कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई मशीन उनके भगवान को रिप्लेस करे और इसीलिए विल को रोकने की कोशिश करते हैं पर क्या सच में विल एक भगवान बनना चाहते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं एक और साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी ट्रांसेंडेंस एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टेड बाय वैली फिस्टर और इसके लीडिंग रोल में है जॉनी डेप एज विल कैस्टर, रेबेका हॉल एज एवेलिन कैस्टर, पॉल बैटनी एज मैक्स वाटर्स, केट मैरा एज ब्री और मॉर्गन फ्रीमन एज जोसेफ टैगर। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग है पर इसके प्लॉट को क्रिटिक्स से काफी नेगेटिव रिव्यू मिले हैं क्योंकि इसका प्लॉट एंडिंग आज भी काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग है पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्हें एक्सप्लेन करने में। ये मूवी मैं क्राउड के रिक्वेस्ट पर कर रहा हूँ और जल्द ही सभी के रिक्वेस्ट धीरे धीरे पोस्ट करूंगा। मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं सभी को एक बिग थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर हेल्पिंग मी रीच 1000 प्लस सब्सक्राइबर। विदाउट ऑल योर सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं होता और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। तो और टाइम ना वेस्ट करते शुरुआत करते हैं मूवी के बैकग्राउंड से। इस मूवी को समझने के लिए मूवी के नाम को समझना जरूरी है। ट्रांसेंडेंस का सिंपल मीनिंग है कि एक तरह से कोई एक नॉर्मल लाइफ के कंपैरिजन से कुछ बड़ा करे, रिलीजियस टर्म में भगवान के बराबर के पावर को अचीव करना। विल एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो अपनी टीम के साथ मिलकर न्यूरल इंजीनियरिंग साइंस पर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान कैसे थिंक, अंडरस्टैंड, इमोशन को महसूस, समझता और एक्सपीरियंस करता है और इस नॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं। विल का मानना है कि इस इन्वेंशन की मदद से इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आएगा। एवेलिन कैस्टर विल की वाइफ होती है जो खुद भी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होती है और विल को उसकी रिसर्च में हेल्प करती है। एवेलिन का ड्रीम होता है कि साइंस के मदद से डिजीज के अलावा प्लैनेट को क्योर करना ताकि एक न्यू और बेटर फ्यूचर बन सके आने वाले जनरेशन के लिए और विल एवेलिन के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। मैक्स वाटर्स विल का बेस्ट फ्रेंड होता है जो एवेलिन की तरह सेम प्रोजेक्ट पर काम करता है। मूवी की शुरुआत होती है मैक्स के नरेशन से जहां मैनकाइंड और टेक्नोलॉजी के बीच फाइट की वजह से आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी और फोन सर्विसेज भी सिर्फ कुछ सिटीज में अवेलेबल है। गैजेट्स अब बस एक जंग बनकर रह गए हैं। लोग अब करेंसी से ज्यादा पुराने नॉन इंटरनेट से रिलेटेड इक्विपमेंट बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते हैं। मैक्स के नरेशन से समझ आता है कि आज के समय में विल और एवेलिन की डेथ हो गई है और उनके याद में उनके अबैंडेंड घर जाता है और फिर मूवी 5 साल पहले के समय में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ विल इस समय में अपने घर के पीसफुल गार्डन को किसी भी सिग्नल से बचाने के लिए कॉपर शील्ड लगाते दिखाए हैं जिससे उसके और एवेलिन के बीच किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो और वो एक दूसरे के साथ पीसफुली टाइम स्पेंड कर सके। नेक्स्ट सीन में विल और एवेलिन अपने रिसर्च के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं जहां वो अपने रिसर्च के बारे में इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनका इंटरनेट कनेक्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटिएंट मशीन इंसान के लाइफ में बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकता है जिसकी थिंकिंग पावर धरती पर जन्मे किसी भी इंसान से कई ज्यादा अधिक होगी, जिसे इंसान जैसा समझ, इमोशन और इंटेलिजेंट थिंकिंग पावर होगा। एक तरह से मशीन भगवान के बराबर होगा पर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। विल का हाईली कंट्रोवर्शियल रिसर्च उसे फेमस तो बना देता है पर वहीं वो प्राइम टारगेट भी बन जाता है एंटी टेक्नोलॉजी टेररिस्ट ग्रुप रिफ्ट, यानी कि रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, जो प्रेजेंटेशन से निकलते वक्त विल को शूट कर देते हैं। लकीली गनशॉट विल को छू कर निकल जाती है और वो बच जाता है। रिफ्ट एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप होता है जो टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करता। उनके हिसाब से कुछ लोग AI टेक्नोलॉजी को गॉड से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में FBI इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस अटैक के अलावा रिफ्ट ने और भी मेजर सिटीज में सीरीज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स किए जिसमें कंट्री के सारे कंप्यूटर और AI रिसर्च लैब्स को बॉम्ब अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। गवर्नमेंट साइंटिस्ट जोसेफ के एंटायर रिसर्च टीम को भी केक में मिलाए डायऑक्सिन पॉइजन से मार दिया, जिसके वजह से अब कंट्री के सारे AI रिसर्च सेंटर डेटा के साथ डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब सिर्फ विल के पास AI से रिलेटेड रिसर्च डेटा होता है। गवर्नमेंट के प्रेशर में विल को गवर्नमेंट से अपना AI रिसर्च शेयर करना पड़ता है। जब विल और एवेलिन, जोसेफ और FBI एजेंट डोनाल्ड बुचमैन के साथ विल के AI क्वांटम कंप्यूटर लैब में एंटर करते हैं
तब वो मशीन ऑटोमेटिकली जोसेफ और डोनाल्ड की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेती है, इवन दो दोनों कभी इस लैब में आए नहीं है। विल का एआई प्रोजेक्ट पिन यानी कि फिजिकली इंडिपेंडेंट न्यूरल नेटवर्क एक सुपर पावर्ड क्वांटम कंप्यूटर मशीन है जो दुनिया के किसी भी इंफॉर्मेशन को सेकंड्स में कंप्यूट कर सकता है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर वो अब भी इंसानों की तरह सेल्फ अवेयर नहीं होता, क्योंकि आज भी इंसानों को खुद नहीं पता कि उनका खुद का कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है, इससे पहले कि वो कंप्यूटर को इससे प्रोग्राम कर सके। पर जोसेफ उसे बताता है कि गवर्नमेंट का रिसर्चर थॉमस कैसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, जो उसने अटैक के पहले उससे शेयर किया था, और वो विल के साथ ये शेयर करने को रेडी है। बाद में विल की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। मेडिकल चेकअप में उसे पता चलता है कि गन शॉट में यूज बुलेट को पोलोनियन रेडिएशन पॉइजन से बनाया गया था, और इसीलिए वो अब विल के ब्लड में स्प्रेड हो रहा है, और इसके वजह से शायद से एक महीने में उसकी डेथ हो जाएगी। धीरे धीरे विल कमजोर होने लगता है, पर एविलिन उसे मरता देख नहीं पाती। उसे सडनली रियलाइज होता है कि वो केसी के एक्सपेरिमेंट और विल के प्रोजेक्ट के मदद से विल के कॉन्शियसनेस को किसी कंप्यूटर में अपलोड कर सकती है, यानी कि उसके इमोशंस और उसकी थिंकिंग पावर को कंप्यूटर में अपलोड कर सकती है, जिससे विल का फिजिकल बॉडी डेड होने पर भी वो एक इंसान की तरह वर्चुअल के फॉर्म में जिंदा रहेगा। अपने इस एक्सपेरिमेंट को गवर्नमेंट से छुपाने के लिए एविलिन पिन प्रोजेक्ट को शटडाउन कर देती है, पर वो पिन प्रोग्राम के सोर्स कोड और कुछ क्वांटम कोर्स को निकाल लेती है। सून डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट और विल के पिन एल्गोरिदम सोर्स कोड को मॉडिफाई करने के बाद मैक्स के मदद से विल के कॉन्शियसनेस को एक स्मॉल कंप्यूटर में अपलोड कर देती है, जिससे विल अब कंप्यूटर के फॉर्म में वर्चुअल फॉर्म में जिंदा हो जाता है। पर विल को फुल्ली फंक्शनल होने के लिए और भी पावरफुल कंप्यूटर और पावर की जरूरत होती है। डेटा एनालिसिस के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, और इसीलिए वो एविलिन को रिक्वेस्ट करता है। पर मैक्स को विल के इस न्यू वर्चुअल फॉर्म पर बिलीव नहीं होता। उसे शक होता है कि विल के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन हो सकता है। वो एविलिन को ऐसा करने से रोकता है, पर एविलिन उसे गुस्से में अपने रिसर्च फेयर हाउस से जाने को कह देती है। वहीं रिफ का प्लान पिन को भी शटडाउन करने का होता है, और उन्हें पता चल जाता है कि एविलिन ने पिन के कुछ कोर्स को गायब किए हैं विल के कॉन्शियसनेस को अपलोड करने के लिए। इसीलिए एविलिन के एक्सपेरिमेंट के लोकेशन का पता लगाने के लिए रिफ्ट की लीडर ब्री मैक्स को किडनैप कर लेते हैं। जब तक उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है, एविलिन विल को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर चुकी होती है। विल अब खुद के पूरे सोर्स कोड को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, और इस तरह वो वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क इंटरनेट का पार्ट बन जाता है। वो अब वर्ल्ड के इंटरनेट से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस या मशीन को एक्सेस, कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। ब्री अब भी एविलिन के पीछे होती है, पर विल वर्चुअल फॉर्म में इंटरनेट की मदद से एविलिन को सेफ जगह गाइड करता है। मूवी में अब नया ट्विस्ट होता है। एविलिन और विल सभी से बचने के लिए एक रिमोट डेजर्ट लोकेशन ब्राइटवुड मूव हो जाते हैं। सून विल और एविलिन एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के मदद से ब्राइटवुड में एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस अंडरग्राउंड ब्राइटवुड डेटा सेंटर बनाते हैं, जहां विल अपने रिसर्च से मेडिसिन, एनर्जी, बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी पर ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांस डेवलपमेंट करता है। विल वर्चुअली अब इतना एडवांस हो जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी चीज या ह्यूमन सेल्स को रीबिल्ड कर सकता है, किसी के भी इलनेस या इंजरी को हील कर सकता है, यहाँ तक कि वो अब लोगों के इमोशंस को समझ और उनसे डायरेक्टली माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करने के अलावा उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। पर एविलिन को धीरे धीरे विल के मोटिव पर शक होने लगता है, स्पेशली जब वो लोगों को कंट्रोल करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद से ये विल नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन है। वहीं ब्री मैक्स को एक्सप्लेन करती है कि विल ह्यूमंस के लिए थ्रेट है, और इस तरह उसे उनके साथ विल के अगेंस्ट काम करने के लिए कन्विंस कर लेती है। ब्री को मैक्स की जरूरत होती है क्योंकि मैक्स को पिन के सोर्स कोड के बारे में पता होता है, और वो इसीलिए इजीली विल के सोर्स कोड को डिलीट करने का वायरस बना सकता है। विल के स्ट्रेंथ से जोसेफ और बुचमन को भी उसके मोटिव पर शक होने लगता है, और इसीलिए रिफ और मैक्स के मदद से विल को डिस्ट्रॉय करने का एक साथ प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है एविलिन को अपने साइड में करके उसके ब्लड स्ट्रीम्स में वायरस को इंजेक्ट करने का, ताकि जब विल एविलिन की कॉन्शियसनेस को उसके सिस्टम में अपलोड करे तो वायरस विल के सोर्स कोड को डिलीट कर दे। पर इस इफेक्ट से एविलिन और विल के अलावा वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट भी शट डाउन हो जाएगा, सिंस विल का सोर्स कोड पूरे इंटरनेट पर स्टोर्ड है। और कोई रास्ता ना होने के कारण वो लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं विल अपने नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में एयर और वाटर की मदद से स्प्रेड कर देता है, जो वर्ल्ड की पोल्यूशन और डिजीज को मिटाना शुरू कर देता है।
और विल खुद के फिजिकल बॉडी को सेम टेक्नोलॉजी की मदद से रिक्रिएट करता है। एवेलिन प्लान के अकॉर्डिंग अपना वायरस अपलोड करने के लिए डेटा सेंटर जाती है, पर वहां विल को फिजिकल फॉर्म में देखकर शॉक हो जाती है। एवेलिन विल से उसके इस फॉर्म में पहली बार मिलती है, पर एवेलिन के इमोशन से विल उसके पूरे प्लान के बारे में समझ जाता है। इसी दौरान रिफ्ट विल के सिस्टम को वीक करने के लिए उसके पावर सोर्स को आर्टिलरी के मदद से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसमें एवेलिन बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। वहीं रिफ्ट की लीडर ब्री विल को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने वायरस को अपलोड नहीं किया तो वो मैक्स को शूट कर देगी। पावर सप्लाई डैमेज होने की वजह से विल के पास लिमिटेड एनर्जी होता है, या तो वो वायरस को अपलोड कर सकता है और या तो एवेलिन को हील। एवेलिन विल को रिक्वेस्ट करती है कि उनकी सजा मैक्स को नहीं मिलनी चाहिए, और इसीलिए विल इवेंचुअली वायरस को खुद में अपलोड कर देता है। मरने से पहले विल उसे एक्सप्लेन कर जाता है कि ये सब उसने उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए किया था, टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। एवेलिन को मरने से पहले रियलाइज होता है कि वो रॉन्ग थी, इट वॉज ऑलवेज विल, वो पिन नहीं था, ये हमेशा से विल था। विल आखिरी समय में एवेलिन को अपने घर के गार्डन के बारे में थिंक करने को कहता है। वायरस के अटैक से विल और एवेलिन के अलावा पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी परमानेंटली शट डाउन हो जाती है। अब यहाँ मूवी फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ मैक्स विल और एवेलिन के गार्डन के सनफ्लावर को नोटिस कर रहा होता है, जो किसी तरह सर्वाइव्स और आज भी फ्रेश होते हैं। क्लोजर एग्जामिनेशन से उसे नोटिस होता है कि सनफ्लावर से गिरने वाले ड्रॉप ऑफ वाटर किसी तरह नीचे जमा ऑयली वाटर को क्लीन कर देता है। उसे समझ आता है कि गार्डन में लगाए कॉपर फेंस ने किसी तरह विल के कुछ सैंपल ऑफ नैनो पार्टिकल्स को वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट किया, और यही मूवी एक फ्रेज के साथ खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग थोड़ी इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग लगती है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे एक्सप्लेन करने में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मूवी के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे विल अपने गार्डन को कॉपर मेश से कवर करता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास नहीं कर सके, ताकि वो वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड और पीसफुली एवेलिन के साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर सके। वहीं मूवी के एंड में विल ने अपने नैनो पार्टिकल्स को एयर और वाटर के चैनल से वर्ल्ड में सभी जगह स्प्रेड कर दिया था, और मरने से पहले एवेलिन के कॉन्शियसनेस को भी अपलोड कर दिया था, जो नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में डुप्लीकेट होकर एयर और वाटर के मदद से सभी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह कुछ नैनो पार्टिकल्स के सैंपल रेन के मदद से विल के इस गार्डन में आ जाते हैं। इसीलिए मरने से पहले विल एवेलिन को अपने गार्डन के बारे में सोचने को कहता है। विल और एवेलिन नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में सनफ्लावर में एक दूसरे के साथ पीसफुली रहने लगते हैं, जिसे मूवी के एंड के फ्रेज से लिंक किया है। मूवी में हमेशा से विल एवेलिन के लिए सब कुछ कर रहा होता है, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने का, पर मैक्स के बातों में आकर एवेलिन गलत डिसीजन ले लेती है, और इसीलिए दोनों की एंडिंग ऐसी होती है। मूवी के एंडिंग में एक और प्लॉट ये रिवील होता है कि उन बचे नैनो पार्टिकल्स की मदद से मैक्स अब ह्यूमैनिटी को फिर से बचा सकता है और टेक्नोलॉजी को रिस्टोर कर सकता है, जिससे मूवी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि मूवी का कंक्लूजन क्या है, मूवी क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहता है, क्या सच में एआई मशीन इंसानों के लिए इवल है। वेल, मूवी में मेजरली एक चीज को बार बार दिखाया है कि इंसान हर वो चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। वो उस चीज को प्रोटेस्ट या डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं जो इंसान के समझ के परे होती है। मूवी को क्रिटिक्स से उसके प्लॉट के लिए नेगेटिव रिव्यू इसलिए मिले क्योंकि कुछ केसेस में इसका एंडिंग में सेंस नहीं बनता। जैसे अगर विल इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट था तो वो अपना सोर्स कोड खुद क्यों नहीं बदलता। मैक्स के लिखे बेसिक वायरस कोड से कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि विल के पास किसी भी मेटल को मिट्टी में मिलाने की पावर होती है। वो इजीली ब्री के गन को अपने पावर से मेल्ट कर सकता था इससे पहले कि वो मैक्स को शूट कर सके। मेरे ओपिनियन में ये मूवी एक वन टाइम वॉच मूवी है, स्पेशली उनके लिए जिन्हें साईफाई मूवी में इंटरेस्ट है। मूवी के एक सीन में एवेलिन एक होटल में चेक इन करती है ऑन द डिस्गाइज नेम ऑफ एलन ट्यूरिंग। रियलिटी में एलन ट्यूरिंग एक फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाने जाते हैं। मूवी में फेमस एंटरप्रेन्योर टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इयोन मस्क को भी विल के प्रेजेंटेशन को अटेंड करते दिखाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल या कोई स्पेसिफिक मूवी एक्सप्लेनेशन हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
ताकि आप मेरा लेटेस्ट अपलोड मिस ना कर सको। थैंक यू दोस्तों।